हे गाइस व्हाट्सअप, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पर आने वाली है। सो गाइस, इसमें हम जितने बैकग्राउंड एंड पीएनजी का यूज़ करूँगा सबका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, इसमें डरने की कोई बात नहीं, आपको सब कुछ में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम इस बैकग्राउंड को लेकर चलते हैं गाइस ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस, मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, आप सभी को इसमें कुछ स्क्रीन शॉट लेने अपने इंस्टाग्राम के। तो गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूँ आपको स्क्रीन शॉट कैसे लेने। तो गाइस, इसे आप सभी को अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। गाइज, ओपन करने के बाद गाइज आप सभी को अपने पहले एक प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट लेनी है, जिसकी गाइज मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है गाइज, एंड एक दो आपको अपनी पोस्ट की भी स्क्रीनशॉट लेनी है, बढ़िया बढ़िया जो पोस्ट लगे आपको अपनी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने गाइज पहले से ले रखा है। सो गाइज, मैं अभी नहीं ले रहा इसलिए मैं आप सबको वहीं दिखाऊँ। तो चलिए हम चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर वापस। ठीक है गाइज, सो पिक्सआर्ट में जाने के बाद गाइज आप सभी को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज पहले आप सभी को अपने प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट जो आपने प्रोफाइल का लिया उसको पहले ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने ओपन कर लिया एंड गाइज इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा इस तरीके से सिंपल से साइड में ऐसे ऐड करना आप सभी को भी। ठीक है, एंड ऐसे टैप कर लेना एंड गाइज एक एम्प्टी लेयर बनानी है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद गाइज आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज इस बार आपको अपने मॉडल को लेना है। ठीक है, ये मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से रिलीज कर रखा है एंड गाइज इसको बैकग्राउंड रिलीज करना नहीं आता टेंशन मत लो, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, इसको जाके आप सभी को वहाँ से रिलीज कर लेना, सीख लेना गाइज। ठीक है, एंड इसके बाद गाइज आप सभी को करना क्या है, इसको मैं सिंपली पहले ऐड कर लेता हूँ ढंग से। ठीक है गाइज, अब आप सभी को करना क्या, एक इन्वर्टी लेयर बनानी है एक और इस तरीके से, एक इम्पर्टी लेयर बना लेना गाइस। ठीक है, इस तरीके से जैसे गाइस मैं बना रहा हूँ गाइस। उसके बाद गाइस आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ठीक है एंड गाइस आपको अपने उस पोस्ट के जो आपने पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया उसको लगाना है गाइस। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं इसको अपने सर के ऊपर लगा लेता हूँ, थोड़ा मतलब सर के बगल में ऊपर नहीं, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म करने के बाद गाइस इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, मतलब रोटेट कर लेता हूँ गाइस इसको, इस तरीके से मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस एक और मिट्टी लेयर बनाएंगे एंड गाइस एक और हम वो लेंगे अपने पोस्ट का स्क्रीनशॉट। सो गाइस ये मैंने ले लिया एंड गाइस इसको मैं लगाऊंगा नीचे की तरफ में। ठीक है, इस तरीके से एंड गाइस इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा एंड छोटा भी कर लेता हूँ, ये इस तरीके से मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है गाइस, मैंने दो ही पोस्ट लगाए हैं, आपकी मर्जी है गाइस, अगर आप तीन लगाना चाहते हो तो तीन भी लगा सकते हो अगर आपके पास जगह बचे तो। ठीक है एंड गाइस एक और इम्पर्टी लेयर बनाएंगे एंड गाइस आपको इस पेंसिल वाले आइकन में जाना है एंड गाइस की हार्डनेस एंड इसका साइज सब कुछ ओपेसिटी एंड साइज को सबको एकदम 100 रखना है। ठीक है गाइस, ठीक है इस तरीके से एंड गाइस आपको कलर आपको सिलेक्ट करना वाइट। ठीक है, वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप सभी को अपने इसके कोने कोने में ऐसे पेंट करना इस तरीके जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, ऐसे पेंट कर लेना है इस तरीके से। इसी हम पेंट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज गाइज हम पीछे लाइट वाले इफेक्ट देंगे इसमें। ठीक है, एंड अब मैं पोस्ट के ऊपर भी कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इधर भी मैं कर लेता हूँ इस पहले पोस्ट पे भी। ठीक है, सब जितने भी पोस्ट लगाओगे सब पे ही कर लेना एंड गाइज आप सभी को जाना इम्पर्टी इसमें गाइज लेयर में जाने के बाद गाइज आपको सबसे ऊपर वाली लेयर को आपको सबसे नीचे लाना है, जो आपकी ये स्क्रीनशॉट जहाँ लगाया था ना गाइज उसके नीचे लाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से एंड गाइज की ओपेसिटी को कम करना है अपने हिसाब से, देख लेना गाइस आप कितना ओपेसिटी रखना चाहते हो। सो गाइस मैंने इतना रख लिया एंड गाइस ऐड फोटो में जाके पहले एक इम्पर्टी लेयर बना लेते हैं। ठीक है गाइस, एंड आपको एक पीएनजी ऐड करना है जिसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइस जब तक वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया बहुत अच्छा लगता है आपके, आप अगर वीडियो को लाइक करते हो तो। सो गाइस अब आपसे को करना क्या है, सभी को इस पीएनजी को लगाना है। पीएनजी को गाइस सिंपली इस तरीके से यहाँ पे मैं अपने हाथ के पास लगा लेता हूँ, इस जगह पे खाली एरिया है तो गाइस। ठीक है गाइस, सो गाइस यहाँ तक हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइस अब इसमें हम करेंगे कलर करेक्शन, तो चलिए चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइस लाइट रूम को ओपन कर लिया एंड गाइस आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस अपने फ़ोटो को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, अपने उस फोटो को ऐड करना है एंड गाइस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है एंड गाइस के एक्सपोजर को बढ़ाना है एंड गाइस कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाना है। ठीक है, एंड इसके हाईलाइट्स को कम करना है
एंड गाइस शेडो को बढ़ा लेना है एंड वाइट को कम करना है, ठीक है गाइस। ब्लैक को ही बढ़ा लेना है एंड गाइस आपको जाना है नीचे वाले आइकन पे, फिर जाना है रेड कलर पे, ह्यू को बढ़ा लेना, सैचुरेशन को कम करना है एंड ऑरेंज वाले कलर पे जाना है एंड सैचुरेशन को कम करना है एंड गाइस ज्यूमेस को बढ़ाना है, ठीक गाइस। एंड ब्लू वाले आइकन में जाना है एंड गाइस के ह्यू को माइनस करना है एंड गाइस सैचुरेशन को माइनस करना है एंड ल्यूमिनस को प्लस। बस बैक आने के बाद गाइस आपको सैचुरेशन को बढ़ाना है, वाइब्रेशन को कम करना है, ठीक है इस तरीके से। अब अपने हिसाब से देख लेना गाइस आपको ऐसे किस तरीके से रखना है। तो गाइस आपको फिर नीचे वाले आइकन पे जाना है एंड क्लियरिटी को कम करना है एंड गाइस विग्नेट को बढ़ाना है, ठीक है इस तरीके से, एंड फैदर को इंक्रीज करना है। नीचे वाले आइकन पे जाना है एंड फोटो को शार्प करना है एंड गाइस नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेना है एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा लेना है, फोटो को थोड़ी स्मूथ कर लेते हैं गाइस इस तरीके से। एंड गाइस आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ आप सभी को, ये आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। सो हमारी फोटो एडिट हो चुकी थी और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।